नमस्कार, साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने ओसीडी के बारे में काफी वीडियो पहले देखे हैं, आपने अन्य वीडियो भी देखे हैं, आपने मेरे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो भी देखे हैं। ओसीडी वही वहम वाली या हाथ बार बार धोने वाली बीमारी, आज के इस वीडियो में ओसीडी कितने प्रकार का होता है, ओसीडी की क्या क्या कैटेगरी है वो जानने वाले हैं। ओसीडी मुख्य तौर पर 5 प्रकार का होता है, उन 5 प्रकार कौन से हैं और उनके 5 प्रकार के अलग अलग क्या लक्षण हैं वो जानने वाले हैं। सबसे पहला जो ओसीडी का प्रकार है वो है कंटेमिनेशन, दूसरा है रूमिनेशन, तीसरा है इंट्रूसिव थॉट और चौथा है चेकिंग और पांचवा है होर्डिंग। ये 5 ओसीडी के प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला जो ओसीडी का प्रकार है कंटेमिनेशन, जिसमें क्लीनिनेस की आदत होती है, बार बार हाथ धोने की आदत हो सकती है, बार बार सफाई की आदत हो जाती है कंटेमिनेशन ओसीडी के प्रकार में, जिसके अंदर सफाई और गंदगी से रिलेटेड बार बार विचार आते हैं। लगता रहता है कि आसपास की चीज़ें गंदी है, हैंडल गंदे हैं, मोबाइल है उसके ऊपर कीटाणु लगे हुए हैं, दरवाजे हैं पब्लिक प्लेसेस के, टॉयलेट हैं, वहाँ पर गंदगी नज़र आती है और उसको सफाई करने का बार बार एक तीव्रता से विचार आते हैं। ये ओसीडी का कंटेमिनेशन प्रकार है। दूसरा है रूमिनेशन, फिलोसोफिकल विचार बार बार आते हैं कि मौत के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा धार्मिकता से रिलेटेड विचार आते हैं। धार्मिक एक्टिविटी में इंसान ज़्यादा संलग्न होने की कोशिश करता है, सिर्फ धार्मिकता पे केंद्रित हो जाना जैसा पहला कंटेमिनेशन था। दूसरा है रूमिनेशन प्रकार, जिसमें धार्मिकता से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थॉट आए तो ये ओसीडी का रूमिनेशन प्रकार है। और तीसरा है इंट्रूसिव थॉट, जिसमें मरने मारने से संबंधित विचार आते हैं, हिंसात्मक विचार आते हैं कि बस मार काट लगी हुई है, कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मैं किसी को मार ना दूं, लोग झगड़ा कर लेंगे, इस तरह के जो हिंसात्मक बाइकाट वाले विचार आते हैं, मार काट वाले विचार आते हैं, वो इंट्रूसिव ओसीडी का प्रकार है, जिसमें बहुत तीव्रता से सेक्सुअल थॉट भी आते हैं, बस बार बार मन में सेक्सुअल अनवांटेड विचार आते रहते हैं। ये ओसीडी के इंट्रूसिव थॉट कैटेगरी है। चौथा प्रकार है चेकिंग, जिसमें बार बार खुद के ऊपर संतुष्टि नहीं होती है, बस चीज़ों को चेक करने की आदत पड़ जाती है, जैसे गैस के रेगुलेटर को बार बार चेक करना, ताले को बार बार चेक करना, बस ताले को एक बार चेक कर लिया संतुष्टि नहीं हुई, पैटर्न बना लेंगे कि 3 बार चेक करना पड़ता है, 4 बार चेक करना पड़ता है, बस बार बार मन में विचार आता है कि अभी ताला लगा नहीं है, जैसे पैसे बार बार चेक करना, डॉक्यूमेंट बार बार चेक करने की डॉक्यूमेंट पूरे तो हैं, बार बार चेक करना, एक बार देख लिए मन नहीं भरेगा, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, ऐसे बार बार मन में चेकिंग से रिलेटेड विचार आते रहते हैं और ये एक पैटर्न के थ्रू भी आते हैं। और 5वां प्रकार है होर्डिंग, कुछ जमा कर लेना, बहुत से इंसानों को कुछ जमा करने की, म्यूजियम बना लेने की, संग्रह करने की एक आदत होती है। जो ओसीडी से ग्रसित होते हैं वो बेवजह बहुत सारी फालतू चीज़ों का भंडार जमा कर लेते हैं और उनके खो जाने का डर लगा रहता है कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज़ उनसे मिस भी हो जाए तो उनको बहुत तीव्रता से विचार आते हैं और उनका बॉडी का पूरा सिस्टम जैसे डिस्टर्ब सा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित होती है। जो होर्डिंग से रिलेटेड विचार हैं उसके अंदर इंसान पुरानी चीज़ों को जमा करता रहता है, जैसे बचपन के खिलौने हैं, बचपन की जो चीज़ें थी उन्हें जमा करता रहेगा, उनको एक संग्रह के दौरान अपने घर में जगह देता रहेगा, जैसे पुराने कुछ सिक्के हो गए, पुराने अखबारों की कटिंग होगी, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड संग्रह की आदत होती है होर्डिंग ओसीडी के प्रकार में। तो आज हमने ओसीडी के 5 प्रकारों के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहला कंटेमिनेशन, दूसरा रूमिनेशन, तीसरा इंट्रसिव थॉट और चौथा था चेकिंग करना बार बार और 5वां होर्डिंग, कुछ जमा करने की एक आदत। तो ये 5 कैटेगरी है ओसीडी की, इनका इलाज आज संभव है, आज साइकोथेरेपी काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक विधियों से इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। ओसीडी के लिए कारगर थेरेपीज हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, CBT कोग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत लाभकारी एक थेरेपी है, कोग्नेटिव ड्रिल थेरेपी CDT इसमें एक लाभकारी थेरेपी है, थॉट स्टॉपिंग विचारों को रोकना एक बहुत ही कारगर थेरेपी है, इसके अलावा एक
अन्य थेरेपी गीता थेरेपी, श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा भी ओसीडी का इलाज होता है, क्योंकि गीता पूरी तरह से एक काउंसलिंग बुक है, एक थेरेपी की बुक है, जिसके अंदर जो बताए गए सीक्रेट्स हैं, जिन 18 अध्यायों में जो जो चर्चा की गई है, अगर वो हम एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करें तो हम अपनी तमाम जीवन की परेशानियों से, जिसमें चाहे ओसीडी हो, चाहे फोबिया हो, चाहे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग की आज सुविधा अवेलेबल है, आप मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, थेरेपी सेशन ले सकते हैं, आप किसी अन्य काउंसलर से बात कर सकते हैं, थेरेपी अपनी करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये उपरोक्त बताए गए ओसीडी में से कोई भी आपको कोई प्रकार है, कोई लक्षण है, आपके आसपास किसी में कोई लक्षण है, तो आप घबराने की बजाय, दवाइयां लेने की बजाय, क्योंकि शुरुआती दौर में ओसीडी में दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काउंसलिंग साइकोथेरेपी से ये पूरी तरह से क्योरेबल है, ठीक हो जाता है। दवाइयाँ ना ली जाएँ तभी बेहतर है, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ही सीवियर केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर काउंसलिंग या साइकोथेरेपी काम नहीं करता या इंसान काबिल नहीं रहा काउंसलिंग के या साइकोथेरेपी के, तब उन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले ये साइकोथेरेपी काउंसलिंग से पूरी तरह से क्योरेबल इंसान हो जाता है इन ओसीडी की परेशानियों से। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी ओसीडी का पेशेंट बेवजह परेशानी झेलने की बजाय ऑनलाइन काउंसलिंग का सहारा ले पाए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।